नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक फाइनेंस कंपनी के बारे में। तो देखा जाए तो एक एनबीएफसी कंपनी के बारे में। आप सभी जानते हैं एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग कंपनी है। तो एनबीएफसी जितने सारे कंपनीज है उनमें से लीडर आप सभी जानते हैं बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, उसके बाद एसबीआई कार्ड है, एचडीएफसी है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज लीडर है। तो आज मैं बात करूंगा एक छोटा कंपनी के बारे में, एक मिड कैप टाइप कंपनी के बारे में, जिसका मार्केट कैप करीबन करीबन 11,000 करोड़ का है। तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इस तरीके से इस कंपनी के बारे में बात करूंगा जो फ्यूचर में एक बड़ा होने का पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो मैं आज इसी के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है IDFC। तो IDFC बैंक नहीं, IDFC जो है वो टोटली एक फाइनेंस कंपनी है, और वो भी एक एनबीएफसी कंपनी है। ये कोई बैंक नहीं है, ये टोटली आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ फंड मैनेजमेंट, साथ ही साथ आप स्टॉक ब्रोकिंग, और साथ ही साथ आप कोई भी इंश्योरेंस, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो अभी आपको IDFC के बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो आप देखेंगे तो IDFC बैंक का जो चार्ट पैटर्न है, पिछले दिनों में करीबन 6.5% तक तेजी देखने को मिला। 5 दिनों में कंपनी ने 10% के आसपास रिटर्न दिया। 1 माह में कंपनी आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया छोटा मोटा। 6 माह में करीबन 2% तक रिटर्न दिया। और आप देखेंगे तो कंपनी का साल भर की जो डेटा है, तो साल भर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीबन 33.38% का तेजी देखने को मिला। देखिए बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, फिर भी कंपनी आज 52 वीक हाई के आसपास है। तो आप देखेंगे तो 52 वीक के हाई पे आसपास, मतलब कंपनी में फिर से एक नया हाई, नया तेजी देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक बिग रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे मतलब कंपनी बहुत बार हाई तोड़ने का कोशिश किया, फिर भी एक ही रेंज में काम किया। तो अभी क्या वो रेंज तोड़ पाएंगे, तो वो टेक्निकली मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा रेंज, कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, जिसको तोड़ने के बाद एक नया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट करता है सर इस कंपनी कब भागेगा, तो मैं आज लेवल दिखा दूंगा, उस लेवल को तोड़ता है तो एक नया मोमेंटम आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो चलो सबसे पहले मैं कंपनी का कुछ डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो आप NSE के वेबसाइट में जाएंगे तो निफ्टी स्मॉल के 50 सर्च करेंगे तो आपको IDFC जो है वो आपको देखने को मिलेगा करीबन 71.70 रुपीज़ में। मतलब कंपनी के जो प्राइस है अभी 52 वीक के हाई के आसपास है। तो 52 वीक हाई भी अचीव कर चुकी है कंपनी, एक हाई मोमेंटम में है, एक हाई लेवल पे है। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी के इस फिगर आउट को आपको जरूर डिटेल्स में देखना चाहिए। तो अभी कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। कंपनी के स्ट्रेंथ मतलब कंपनी के रेवेन्यूज, तो कंपनी के रेवेन्यूज पहले देखने से पहले मैं कंपनी का मार्केट कैप आपको दिखा देता हूँ। करीबन 11,100 करोड़, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कंपनी का पी रेशियो कितना है, 15.4 है। मतलब कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है, और कंपनी का पी रेशियो एक एक बेस्ट लेवल में है, एक एवरेज लेवल में है, तो अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम ना के बराबर है। तो इस कंपनी की खासियत क्या है आप जानते हैं, कंपनी में कोई भी डेप नहीं है, जीरो डेप्थ है, तो टोटली डेप फ्री है। देखिए फाइनेंस इंडस्ट्रीज में कोई भी कंपनी का डेप्थ जीरो है तो सोचना वो कंपनी में कितना पोटेंशियल लगता है, खुद का खुद के पैसे को ही वो यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, वो कोई भी लोन नहीं लेके रखा, तो एक बहुत बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। तो उससे भी कंपनी की सबसे अच्छी बात है कंपनी लोन ना लेकर भी कंपनी बिजनेस कर रहा है, तो इसलिए कंपनी का 64 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अगर कंपनी लोन ले लेते ये प्रॉफिट भी चला जाता, क्योंकि उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो हाथ में करीबन करीबन 100 करोड़ के आसपास कैश भी है। तो अभी आपको देखना है कंपनी के बाकी पैरामीटर क्या बोल रहा है। देखिए अब कंपनी के हाथ में कैश भी करीबन 100 करोड़ के आसपास है, मैं पहले बता चुका हूँ। कंपनी का डेटर्स डे जीरो दिखा रहा है, मतलब कंपनी का इन्वेंटरी डे और डेटर्स डे अभी अवेलेबल नहीं है डेटा। तो कंपनी के एंटरप्राइजेस वैल्यूज कितना है, 10,800 करोड़ का। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 11,000 करोड़ का, और कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यूज 10,800 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब दूसरे कंपनी IDFC के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है बहुत शानदार है, 201% का, मतलब 200% से भी ज़्यादा। मगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ मतलब एकदम नाक के बराबर है। कंपनी
कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, यही से मुझे कुछ नजरिया अलग देखने को मिला। 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 52 रुपीज पे करना पड़ रहा है, मतलब कितने हाई वैल्यूएशन में कंपनी का शेयर मिला है सोच सकते हैं आप। तो वैल्यूएशन मैटर करता है एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से। तो देखिए, आप आंख बंद करके कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं, तो वो निवेश आपका कौन सा लेवल में हो। देखिए, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करता है, सर मैं इस कंपनी का, कोई भी कंपनी का मान के चलिए, अभी शेयर वो 100 रुपीज में चला था, आज वो मान के चलिए 300 में चला है, और वहाँ पे किसी ने, बहुत सारे लोगों ने बाई किया और वो गिरते गिरते फिर से 150 में आ गया। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, सर अभी अब मैं क्या करूँ, मेरा फंड तो 50% लॉसेस में चला है। देखिए, मैं एक चीज आपको जरूर कहूंगा, एज ए इन्वेस्टर अगर अपने सही वैल्यूएशन इस 100-150 रुपीज में अगर कैलकुलेट कर पाते हैं और वहाँ पे आप निवेश करते हैं, तो आपको पैनिक होने का कोई सिचुएशन नहीं होता, तो आपको तो कुछ लॉसेस नहीं होता। और साथ ही साथ अगर आप 300 तक आप देखे देखते हैं, तो 100 से तो करीबन 3 गुना आपको रिटर्न मिल जाता। तो आपको वैल्यूएशन चेकआउट करना होगा, कभी भी आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो वैल्यूएशन ऑब्वियसली आप चेक करिए, उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि इस कंपनी का जितने सारे कंपटीटर है उसके हिसाब से अगर वैल्यूएशन में हिसाब करूँ तो देखा जाए तो कंपनी टोटली डेट फ्री है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी का जितने सारे कंपनीज है उनमें से सिर्फ बजाज होल्डिंग को छोड़कर बाकी जितने सारे कंपनीज है उससे भी इसका मार्केट कैप टू सेल्स ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ बीवीपी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है, और कंपनी का जो जो रिटर्न ऑफ इक्विटीज है वो एकदम लो के बराबर है। कंपनी का देखिए अर्निंग के बारे में बात करो, रेवेन्यूज के बारे में बात करो, तो रेवेन्यूज लगातार लगातार गिरते जा रहा है। करीबन 619 इसका रेवेन्यूज था, अभी करीबन 88 इसका रेवेन्यूज बन चुके हैं। और कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में बहुत अप्स एंड डाउन है, पहले कभी 47 करोड़ का प्रॉफिट किया, कभी 300 करोड़ का, फिर भी कभी 27 करोड़ का, फिर से कभी 130 करोड़, और इस बार कंपनी करीबन 57 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के हर पैरामीटर के, तो कंपनी का पैरामीटर उतना खास नहीं देखने को मिला। पहले कंपनी का 2018 में कर्जा था, आज वो कर्जा ना के बराबर है। अगर इस कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग दिखे तो प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा होल्डिंग दिखेगा एफआईएस के पास 20% और डीएस के पास करीबन करीबन 28% और पब्लिक के पास बाकी हिस्सेदारी आपको दिखेगा करीबन 50%। इसका मतलब सबसे ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक लेके रखा है, एफआईएस ने छोटा माल उठाया, डीएस ने भी छोटा माल उठाया, सबसे ज़्यादा माल एफआईएस डीएस ने जितना माल उठाया उससे मतलब डबल क्वांटिटी यहाँ पे पब्लिक ने उठा के रखा है, क्योंकि पब्लिक को इसी तरीके से कंपनी में इंटरेस्ट लगते हैं। क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि कंपनी खराब है, तो ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, कंपनी में दम है। तो अभी कंपनी बहुत छोटा है तो इसलिए उतना दम नहीं दिख रहा है, तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो आप देखेंगे तो नेगेटिव में है। तो एक कुछ पॉइंट्स है जो आपको अभी भी नेगेटिव दिख रहा है, तो फ्यूचर में शायद वो कंपनी पॉजिटिव में बन सकते हैं। कंपनी डिविडेंड भी साल भर में, इस बार डिविडेंड दिया 2021 एंड 2022 में कुछ भी डिविडेंड नहीं मिला, मार्जर के डील भी हुआ था एक बार, मतलब मार्जर भी एक बार कंपनी कर चुके थे। अभी कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखेंगे, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ यहाँ पे से हाई किया करीबन 117 रुपीज के आसपास, और फिर से देखिए लगातार गिरावट हुआ, फिर से एक बार हाई किया करीबन 108 रुपीज के आसपास, फिर से गिरावट, उसके बाद एक बार हाई किया करीबन 95 रुपीज के आसपास, तो यहाँ पे एक बार टच किया और फिर से देखिए कंपनी लगातार 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 गिरते गए। तो फिर से कंपनी कोशिश कर रहे हैं एक लेवल को तोड़ने की, ये क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन में आपको ड्रॉ करके दिया वो ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, इसको तोड़ना बहुत मतलब जोर लगाना पड़ेगा। अगर इसको तोड़ता है तो फिर से नेक्स्ट लेवल आपको 94 देखने को मिलेगा, और उसके बाद तोड़ता है तो फिर से 108 को देखने को मिलेगा, उसको तोड़ता है तो 120 दिखेगा, और अगर उस लेवल को तोड़ता है तो फिर से नया हाई आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।